किसान भाइयों नमस्कार, मैं आपका डॉक्टर किशन चंद्रा। जैसा कि आपको मैंने दो वीडियो बताया है कि कैसे मैन्योर बनाई जाती है, आज मैं टाइप थ्री तीसरी तरह का कैसे मैन्योर बनेगी उसका फॉर्मूला आपको देने जा रहा हूं। और कैसे बनाएंगे, आपको सबको मालूम है कि जो भी वेस्ट है आपका, चाहे काउडंग का वेस्ट हो, चाहे किसी भी जानवर का वेस्ट हो, चाहे आपका जो हमारे जो खेतों का वेस्ट है, उनको सबको मिला के एक साथ आप डिकम्पोज कर सकते हैं, वही आपका कचरा मित्र से। तो कचरा मित्र लिया, कचरा मित्र आपने 50 लीटर लिया, 50 लीटर को आपने 500 लीटर बना दिया। अब उस 500 लीटर को आपने जो आपका जो ढेर है, जो आपका कचरा पड़ा हुआ, एक स्प्रे किया। अगर आप और जल्दी चाहते हैं तो उसको दो स्प्रे, तीन स्प्रे, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके आपके ऊपर है, एक करें या दो करें। एक करेंगे तब भी आपका खाद बनेगी, दो करेंगे तब भी बनेगी, थोड़ा और जल्दी बनेगी, तीन करेंगे तब भी बनेगी। तो आपका ये आपके ऊपर है, एक आपने स्प्रे कर दिया। करने के बाद अगर आप दूसरा स्प्रे करना चाहें तो उसको 5 दिन के बाद पलट के तब आप स्प्रे कर दीजिए। हर 5 दिन में पलटिए, स्प्रे कर दीजिए, तो दो स्प्रे के बाद ही काम करता है। अब जो ये बन गया आपका, जो मटेरियल बनना शुरू हो गया, 20 दिन के बाद क्या करना है, जैसा मैंने पहले बताया कि आपके पास OWDC है, आपके पास गाढ़ा गौमूत्र है, आपके पास कवच है या NWDC है, आपके पास वैम है, ये तो आपने लिए लिए, और इसके अलावा जो आपके पास आने वाले दिनों में ट्राइकोडर्मा का मदर कल्चर है, इन सबको आपने पहले से मल्टीप्लाई किया, और चाहे एक साथ मिला के मल्टीप्लाई करिए, चाहे अलग अलग मल्टीप्लाई करिए, ये आपके ऊपर। तो जब आपने मिलाया, मिलाने के बाद इसका सलूशन पर टन 10 लीटर आप मिलाइए। अगर आपने इसमें ट्राइकोडर्मा के स्ट्रेन भी डाल दिए और इसके अलावा बाकी और भी स्ट्रेन अगर आप डालना चाहें, क्योंकि हालांकि ये सारे के सारे हमारे OWDC प्रेजेंट है, लेकिन इसके डालने से जो हम जो मैं अभी जो आपको मदर कल्चर दे रहा हूं, इससे स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। और जब इससे जो खाद बनी, आप देखेंगे ये भी बिल्कुल आपके चाय पत्ती तरह, हर खाद ही चाय पत्ती तरह थी, तो ये चाय पत्ती तरह खाद बन जाएगी। अब बनने के बाद इसको आप पैक करिए, पैक करके आप आराम से करिए। इसमें कोई भी ना बदबू होगी, ना आपका कोई इस तरह के कोई मटेरियल इसके अंदर बचेगा जो कि आपके टॉक्सिटी पैदा करे, हैवी मेटल्स की मात्रा कम हो जाएगी अगर हैवी मेटल आ गया है तो ये सारे गुण आपको इससे मिलेंगे। अब इसके साथ साथ एक तो ये तरीका होगा, ये ऑर्गेनिक तरीका आपने कर लिया। अगर आप चाहते कि नहीं हम इसको और थोड़ा सा स्ट्रेंथ दें, और मतलब एक बैग में ही आपका एक एकड़ की जमीन को कवर कर ले, तब आप इसमें क्या करें कि केमिकल प्रोसेस थोड़ा सा इसमें लें, ताकि मैन्योर के साथ जब केमिकल जाती है तो उसकी अपटेक बढ़ता है, उससे आपके फायदा बहुत मिलता है। तो आपने क्या किया, 1 टन के अंदर 5 किलो DAP, 5 किलो SSP और यूरिया, अगर आप डालना चाहें तो यूरिया ऑप्शन आपके पास है, यूरिया 5 किलो डाल दीजिए, तो ये पूरा ही केमिकल हो गया। डाला के आपने मिक्स कर दिया, और मिक्स करने से पहले तरीका क्या है कि इन तीनों को जो मैंने आपको बताया है, NWDC, OWDC, VMM, सारा का सारा जो है उसी में 5-5 किलो डाल दिया। डालने के बाद ये घुल जाएगा। अब वो सोल्यूशन आप इसमें डालिए, जब वो सोल्यूशन आप इसके ऊपर डालेंगे, 10 लीटर से ज्यादा डालिए, 15-20 लीटर तक डालिए पर टन, आप देखेंगे कि इससे जो है आपका इनिश होगा, जो आपका यूरिया है, फास्फोरस है, पोटास है, जो बढ़ेगा वो क्या होगा कि एक तो वो आपका कन्वर्ट होके होगा तो बाइंडिंग फॉर्म में होगा, तो बाइंडिंग फॉर्म होने से लॉसेस नहीं होगा, और आपके जो केमिकल्स इसमें जो होल्ड किए हुए हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, वो ज्यादा नहीं चलेंगे और एवरेबल फॉर्म में होंगे। तो जैसे एवरेबल फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में इसमें पहुंचे होंगे, तो जब आप उस मटेरियल को यूज करेंगे फील्ड में तो बहुत क्विक रिजल्ट आएगा। तो जो लोग डालते हैं कि आपका सीवीड डाल दिया, ये इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने जैसे इनको डाला, इस आयनिक फॉर्म ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद ये सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म ब्रेक होंगे, आयनिक फॉर्म में आ जाएंगे। आयनिक फॉर्म आने के बाद आपका लिव जो हम बोलते हैं अवेलेबल फॉर्म उसमें आ जाएगा, और जैसे ही आप इसको खेत में डालेंगे, आप किसी भी प्लांट में डालिए, देखिए उसका रिजल्ट क्या आता है, क्योंकि आपने इसको पूरा का पूरा इनरिच कर दिया।
और साथ ही साथ आपने इसमें क्योंकि फंगस वंगस डाल रखी थी, NWDC डाला था, तो ये डिसीज कंट्रोल भी कर रहा है। पहला काम क्या किया, न्यूट्रिशन देने जा रहा है, दूसरा काम क्या कर रहा है, डिसीज भी कंट्रोल कर रहा है। तो ये जब आपके खेत में जाएगा, खेत में जाने के बाद जो सॉइल की जमीन के अंदर की जो बीमारियां हैं पहले तो उसको खत्म करेगा, और साथ ही साथ ग्रोथ भी दे रहा है, न्यूट्रिशन आपके सामने है। तो ये मात्रा जो आपको मिलेगी, जो मटेरियल मिलेगा, ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास मैन्योर होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन्योर हम इसको बोलते हैं, और इससे बढ़िया रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। और दूसरा क्या करना है, जो आपने मटेरियल डाला यूरिया DAP उनपे, तो यूरिया तो पूरी घुल जाएगी एक साथ, लेकिन बाकी चीजें बचेंगी, तो उसमें फिर से आप उसी में मटेरियल बना दिया, बनाने के बाद फिर लिक्विड यूज कर, तो एक कंटिन्यू करते चले जाइए। एक बार बनाया तो दो तीन बार कम से कम उसमें यूज होगा, फिर उसमें मटेरियल डाल दिया तो जो नीचे स्लज रह जाता है उसको उठा के फिर मिक्स कर दीजिएगा अपने अपने जो मैन्योर बनाई है। तो ये टाइप 3 आपका जो बना ये है, और आप इसको अच्छे से बना के पैक करके आप इसको कर सकते हैं, जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको फायदा मिलेगा। धन्यवाद।